कल पर्यटन नगरी मनाली पुलिस थाने में एक ऐसा मामला दर्ज हुआ है जिसमें पुलिस से ही फिरौती जो है कुछ लोग कर रहे थे, उसमें पुलिस टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला क्या है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एडिशनल एसपी सागर चंद्र हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, बहुत कम सुनने को इस तरीके से मिलता है कि पुलिस से ही कोई फिरौती कर रहा हो, सर, और ये पूरा मामला है क्या? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नई तरह का मामला है कि पुलिस की टीम से ही फिरौती मांगी गई, उनको ब्लैकमेल किया गया। ये वाक्या ऐसे है कि करीब दो महीने पहले 28-29 मार्च को एक लड़के ने एसआईयू टीम जो है ज़िले में एक टीम होती है जो पूरे ज़िले में नशे के स्मगलरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती है, उनको पकड़ती है। तो इस एसआईयू टीम का अपना एक मुखबरों का एक अपना नेटवर्क भी होता है। तो एसआईयू के स्टाफ के साथ मनाली में एक लड़का है सतीश कुमार खलीन, यहाँ पे खलीन गांव है मनाली से करीब 5 किलोमीटर, शलीन गांव है। तो इस लड़के ने एसआईयू टीम को कांटेक्ट किया और कहा कि मैं ऐसे ऐसे कोई हरियाणा का कोई चिट्टे का स्मगलर है, मैं उसको पकड़वाना चाहता हूँ। और उसने कहा कि वो करीब 50,000 रुपये का चिट्टा जो है वो देने को तैयार है, और 20-25 ग्राम के करीब चिट्टा। तो इसने एसआईयू टीम से कहा कि ये 50,000 रुपया दे दो और वो चिट्टे की सप्लाई देने आएगा। तो इस तरह से उसने दो दिन तक पैसा लिया, शाम को वापस कर देता था। तो टीम को लगा भी ये ठीक आदमी है और शायद सिंसियरली काम कर रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो उनको चीटिंग करना चाहता था। तीसरे दिन भी उसने पैसा मांगा और कहा कि आज वो पक्का आ जाएगा, लेकिन वो उस दिन पैसा लेकर के गायब हो गया। एसआईयू की टीम 4 लाख रुपये की डिलीवरी करेगी और वहीं पे जो है सतीश को वो लोग वहाँ पेश कर देंगे, और उसके बाद हाई कोर्ट से केस जो है पिटीशन को वापस ले लिया जाएगा। तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग इन्होंने की, जिस पे पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की और ट्रैप लगाया, और 3 तारीख को इनको 4 लाख रुपए की डिलीवरी लेने के बाद रंगे हाथों पकड़ लिया और इनको गिरफ्तार कर लिया। पैसे की बरामदगी वहाँ से हो गई और इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है आईपीसी के सेक्शन 384, 182, 209 एंड 120B में इन तीनों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज है। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, आज जो है इनको आज अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।